हे ऑल नाइस पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर। आजकल काफ़ी सारे बाइक्स में ये फीचर आने लगे हैं। सुपर बाइक्स में तो होता ही है, एंड रिसेंटली R15 का जो नया मॉडल आया है उसमें भी ये फीचर देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल से पहले हम ये बताएंगे कि ट्रैक्शन क्या चीज़ होता है। हम लोग जानते हैं जो टायर का जो ग्रिप होता है रोड सरफेस में, वो होता है उसका फ्रिक्शन के वजह से, और इसी फ्रिक्शन को ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में ट्रैक्शन कहा जाता है। ये जो ट्रैक्शन है ये अगर किसी भी तरह से लूज होता है स्लिपरी सरफेस के वजह से, खास करके लीन एंगल में अगर स्लिपरी सरफेस रहता है, कुछ भी होता है, तो जो पीछे वाला चक्का हो सकता है या फिर सामने वाला जो व्हील होता है उसमें भी अगर स्पीड ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों जो व्हील है उन दोनों व्हील के बीच डिसबैलेंस हो जाता है स्पीड में, तो इसके वजह से ट्रैक्शन लूज हो जाता है एंड वो जो बाइक है वो एक्सीडेंट कर जाता है। तो दोनों व्हील्स का ये स्पीड को बैलेंस में लाने के लिए कंपनीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को। ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करता है? ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टोटली ECU से वर्क होता है। दोनों जो स्पीड सेंसर रहता है व्हील्स में, वो स्पीड सेंसर से ECU को डेटा मिल जाता है, एंड अगर किसी भी व्हील में अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी तरह से, तो ECU इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, या तो पावर डिलीवरी कम हो जाएगा और उसके वजह से रियर व्हील्स जो है कम घूमने लगेगा, एंड सेकेंडली पार्शियल जो ब्रेकिंग है वो अप्लाई हो सकता है। तो इसी तरह से टोटल ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है, एंड जो दोनों व्हील्स के बीच अगर कोई भी डिसबैलेंस होता है स्पीड में, तो वो मेकअप हो जाता है एंड बाइक एक्सीडेंट होने से बहुत हद तक बच जाता है। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो सकता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ट्रैक्शन ग्रिप से जुड़ा हुआ होता है, तो ये टायर का ही कुछ फंक्शन होगा, टायर में कुछ सेंसर वगैरह कुछ भी फीचर टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टायर के साथ बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, ये टोटली एक टेक्नोलॉजी है जो पावर डिलीवरी हो या ब्रेकिंग हो, जिसके ज़रिए व्हील्स का जो स्पीड है उसको कम किया जाता है या फिर मेंटेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल में सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आई होप, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप पीस मेक पीस। बाय।